ये फाइनली हमने अपनी कैटी का नाम फाइनल कर दिया है, जो बड़े दिनों से हम वेट कर रहे थे। तो हमारी कैटी का नाम के जितने अभी तक मैंने अभी तक जितने भी इसके कमेंट पड़े हैं उसमें इसका नाम फाइनल हुआ है एनी। तो आज से सब आप इसको बुलाएंगे एनी। तो हमारी कैटी का नाम हुआ एनी। अभी हमारी कैटी नहीं, अभी हमारी एनी है। एनी काम मेरी ज़िंदगी की सबसे अच्छी और प्यारी वीडियो है ये, और आई थिंक आपके लिए भी, आपकी भी वीडियो शायद लाइफ की सबसे, जितनी मेरी वीडियोज़ है मुझे इससे ज़्यादा प्यार और इससे ज़्यादा मतलब जो क्या बोलते हैं शैतानी नहीं बोलते हैं उसे क्या बोलते हैं भाभी उसको मतलब रिलैक्स मतलब दोनों कितने रिलैक्स हुए हुए मतलब क्या मतलब इसी मुँह को तो बेचारे थकी हुई है इसके ऊपर प्यार करती है ऐसे ये। तो ये इतने प्यार से मिला अच्छा। तो ये सीमू जो है ना ये बजरंगी से भी ज़्यादा प्यार हमारी कैट को करती। ये भाभी रियलिटी है, इसके अंदर खुशबू है। जो ये दो दिन उनके घर पे रही ना जहाँ पे ये रहती थी, मुझे तो लग रहा है कि देखो ये हो सकता है ये अटैचमेंट हो सकती है। ये एनिमल्स के लिए मैं बहुत अच्छी बात बोलना चाह रहा हूँ कि जिस घर में ये सीमू रहती थी ना, सीमू जिस घर से आई है उसी घर में दो दिन उन्होंने मेरी कैट को रखा है बाय, मतलब बहुत इसकी केयर की है उन्होंने। बहुत अच्छी फैमिली है, रिजवान और परवेज़ जो मेरे अच्छे दोस्त है, और उनके डैडी का नाम मुझे पता नहीं, वो दिल्ली में रहते हैं, ओखला में आई थिंक, वो जगह मुझे प्रॉपर याद नहीं है, मैं भूल जाता हूँ। तो वो इतने अच्छे इंसान हैं क्योंकि उन्होंने इनको सिमू को तो 5 दिन की थी जब इसको बेचारी को रखा था। आई थिंक मैंने सिमू की स्टोरी हाँ आपको सब पता हुआ जो जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियो देखी है। सिमू जब 5 दिन की थी तो उन्होंने इसको रेस्क्यू किया था। और ये देखो नेल इसकी, वाओ कितनी सुंदर नेल हो गई, लड़की है भाई बजरंगी से सुंदर है। तो 5 दिन की जब थी उन्होंने सीमू को रेस्क्यू किया था, बहुत नटखट है सीमू। नेल पेंट लेके आना सीमू को, और जब उन्होंने इसको रेस्क्यू किया था तो 5 दिन की थी। और कट क्यों रही है, जो सीमू की मदर थी वो काफ़ी घायल हो गई थी तो उन्होंने इसको बचाया और इसकी केयर की। 5 दिन के बच्चे को पालना इतना आसान नहीं है भाई, और वो भी मतलब मंकी के। तो अब देख लो कितनी अच्छी उन्होंने बना दिया और मुझे इन्होंने गिफ्ट किया है। तो पर्सियन कैट भी 2 दिन उनके घर पे रही है, उन्होंने इसकी केयर की है 2 दिन। तो मुझे आई थिंक ऐसा लग फील होता है मुझे कि इस कैट के अंदर वो खुशबू है जो उनके घर में थी, और वो खुशबू इसके अंदर भी है। तो उस खुशबू की वजह से सबसे पहले इसने आते ही इसको इसके साथ अटैचमेंट हो गई है। ये इससे इतना प्यार करती कि मुझे नहीं लगता कि आई थिंक ऐसा लग रहा है कि पिछले जन्म में इसका इसके साथ कोई रिश्ता है, और ताकि इनके संजोग थे जो ये दोनों मेरे जरिए लगा लो कि ये दोनों मिल चुके हैं। और मैं मतलब मेरा कैमरा हटाने का मन नहीं कर रहा कि मैं इनके ऊपर से फोकस हटा दूँ कहीं और या कोई और चीज़ दिखाऊँ। तो इतना मतलब इतने प्यार से सोए हुए हैं। तो भाभी नेल की फ्रेग्रेंस आती है इनको देखने में, थोड़ा ध्यान से हल्के हल्के लगाना, मतलब इनकी थोड़ी स्मेल होती है ना। इधर लगाऊंगी हाँ। तो ये हमारी चेरी आ चुकी है, बट ये चेरी थोड़ी सी हमारी नटखट है और सुस्तू नाम सुस्तू। ए इधर आ, इधर आ तू बेटा। नहीं इसकी उसकी, ये फीड उसका है, तेरा फीड नीचे है ना। ओ काटल काटल मुझे। ये देखो अभी इसको लगाई जा रही नेल। वाओ कि हमारी हमारी गुड़िया है हमारी घर की ये, और तो इसलिए इसको इसकी केयर तो करना जरूरी है ना थोड़ा सा। इसको अभी सोई हुई है तो अभी इस पर अटक जाएंगे, वरना तो ये टिकाती कहाँ है, कुछ नहीं रखती ये लग गई आपके सूट में। कोई नहीं हल्का सा लगा हुआ है, जाग रही है। अच्छा ले ले बच बच, ये देखो इनको बच्चे की तरह से सुलाना पड़ता है। तो बहुत अमेजिंग अमेजिंग वीडियो है बहुत ज़्यादा, और झूला झूलते वो सोते हैं ऐसे सोते हैं इनको, मतलब सेम बच्चे है जैसे आप बच्चों को सुलाते हो वैसे बच्चों को सेम वही चीज़ है। और हमें बड़ा मज़ा आता है, मतलब आई थिंक हम बड़ा प्राउड फील करते हैं कि आई थिंक हमारी किस्मत में था कि ऐसा कि हमें ऐसे इतने इतने प्यारे बच्चे मिले हैं और इतनी अच्छी जोड़ी। जो मेरी 5 साल से मेरी जो मेहनत थी वो आज सफल हो गई है, जो मैंने सोचा था वो मैंने आज कर दिखाया। मेहनत बड़ी की है और स्ट्रगल, और गालियाँ खाई है लोगों से, गालियाँ देते भी लोग बड़ा बुरा बोलते हैं, लेकिन कोई हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें कर्म करने पर विश्वास है फल तो अपना मिल जाएगा। तो इसलिए भाई सभी आप कर्म करो अपना, फल ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा। यार ये मत चिंता करो कि ये अगर मैं ये करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे तो कुछ मिल ही नहीं रहा तो मैं क्यों करूँ। तो ऐसा ये हमारी सोच है,
तो इसलिए मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप बस ओनली कर्म करो, और वो भी अच्छा, किसी का बुरा ना करो यार। लाइफ में आपको कभी बुराई नहीं मिलेगी, मैं ये मेरा वादा है। अगर आपने किसी का कभी बुरा नहीं किया ना, आपका कभी कभी भी ज़िंदगी में बुरा नहीं होगा। कभी बुरा होगा तो मुझे आगे पकड़ लेना भाई। तो इसलिए अगर किसी का अच्छा नहीं करता तो बुरा मत करो प्लीज़। बस मेरे तो यही कहना आपको, आपसे लव यू ऑल।